नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। बिहार में इस वक्त चुनाव है और चुनाव के दौरान कई किस्से आपने देखे होंगे, सुने होंगे। इस वक्त मैं बिहार के सासाराम में मौजूद हूं और सासाराम में हमारे साथ एक ऐसे 5 बार के पूर्व विधायक मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना महामारी जब तक भारत से खत्म नहीं हो जाती है तब तक के लिए प्रण लिया है कि वो अपने पैरों में चप्पल या जूता नहीं रखेंगे। इस वक्त मैं बिहार के सासाराम जिले में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक ऐसे पूर्व विधायक मौजूद हैं जिन्होंने ये प्रण लिया है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये अपने पैरों में चप्पल या जूता नहीं पहनेंगे और तब तक नंगे पांव रहेंगे। जवाहर प्रसाद जी हैं, बीजेपी से 5 बार विधायक रह चुके हैं और इस वक्त अगर आप देखें तो ये नंगे पैर हैं। सर, 5 बार आप विधायक रह चुके हैं और अभी आप ये कह रहे हैं कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक नंगे पैर रहेंगे, क्या कारण है? अपने भारत देश में महामारी का एक प्रकोप कोरोना आया तब से मैं माँ तारा चंडी के दरबार में गया। हे माता, जब तक भारत देश में कोरोना समाप्त नहीं होगा तब तक मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। जब भारत देश जब तक निरोग नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। तो ये कितने दिन से आपने प्रण किया और कितना महीना हो गया आपको बिना चप्पल जूतों? मैं अप्रैल से चप्पल जूता को छोड़ दिया हूँ, अप्रैल महीना से, रामनवमी के दिन से। अच्छा। जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनता है उसी दिन से मैं चप्पल जूता छोड़ दिया हूँ प्रण लेकर। हम धूप में भी चल रहे हैं और कच्ची पक्की सड़क भी है, ये तो जल रहा है सर, पूरा छाले पड़ जाते हैं पैर में। अब तो जो भी हो, आंधी आवे, बरसात आवे, जाड़ा आवे, चाहे गर्मी आवे, जब तक भारत देश हमारा स्वस्थ नहीं होगा तब तक मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा, ये प्रण है। तो ये प्रण आपने कैसे लिया, मतलब इसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या तरीका था कि आपने सोचा कि ये करने से कुछ होगा? एक पर एक मैं माता जी के दरबार में था, माँ अब तुम्हारे चरण में मैं अर्पण करता हूँ कि जब तक मैया तू कोरोना भारत से समाप्त नहीं करेगी तब तक मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। जब प्रण ले लिए तो अब दिक्कतें आएगा तो हम उसे भागने वाले नहीं हैं। हाँ, इसके लिए जो भी हो जाए। पैर में छाला वाला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हम उसके ओर नहीं देखते हैं। देखते ही नहीं उस तरफ? उस तरफ देखते नहीं हैं। हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष को कि हमारे देश का कोरोना से एकदम विचलित लोग हो रहे हैं। इसलिए मैं प्रण जो लिया हूँ उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही मंदिर में आपने बैठ के प्रण लिया था? ऐसे ही माँ तारा चंडी के धाम में खड़े होके प्रण लिए थे। आपको पता है कोरोना कब खत्म होगा? अब तो हम माता जी के चरण में अपना अर्जी डाल दिए हैं, कब वो खत्म हो। हमारा प्रण भी है कि जब तक खत्म नहीं होगा, भले ही शरीर हमारा छूट जाए लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं, इसके लिए जो हो जाए। थोड़े ही दिनों में तो सर्दी आ जाएगी, सर्दी में तो और जरूरत पड़ता है पैर ढकने का, फिर कैसे करिएगा? ये माता जी जाने, जहाँ हम संकल्प लिए हैं, जो विश्व के माता दुर्गा माँ है वो जाने, उनको चिंता होना चाहिए अपने बेटा पर। भले ही जो हो जाए, जब बेटा पर ध्यान नहीं देंगे तो भाई तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। मैंने जो हो जाए हम चप्पल जूता पहन नहीं सकते हैं जब तक समाप्त नहीं होगा भारत देश। भगवान पर मतलब इतना विश्वास है आपको कि अगर जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आप उनसे? हमारे एक अक्सर संत ऋषि महर्षियों ने तपस्या करते थे, आज हम इस पर भी हमारा तपस्या है। बहुत से लोग हमसे कहें कि आप चप्पल जूता पहन लीजिए, हम कहें नहीं, ऐसा नहीं,
जब माँ के बीच में कह दिए अब माँ बेटा का सवाल अब हो गया है, अब माँ जाने। मान लीजिए भाजपा ने आपको टिकट दे दिया, तब तो आपको घर घर जाना पड़ेगा, तो ऐसे नंगे पर जाइए? आज भी घर घर चल रहे हैं, गांव गांव चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब से मैं आ रहा हूँ तब से गांव गांव घर घर मैं घूम रहा हूँ, मैया रे, चाची रे, दीदिया रे, काकी रे, भैया हो, अब दुर्गा, भवानी, जगदम्बा, छोटे छोटे बच्चियों को आज भी मैं करते चल रहा हूँ। हम कहाँ जाएंगे? प्रण के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके पैर में बगल में छाला पड़ा हुआ है, अगर नंगे पैर अगर आप ऐसे चलिएगा तो छाला और बढ़ जाएगा चुनाव प्रचार में। जो हो जाए, कितना कंटा करता है, कितना ठेस लगता है। ये माँ परीक्षा ले रही है अपने बेटा का, हाँ तो परीक्षा ले रही है, तो हम परीक्षा में पास होंगे, विश्वास है? विश्वास है, एकदम माता जी से हमको विश्वास है कि मैं जरूर परीक्षा में पास हूँ। हम भी नहीं होंगे, भारत के जितने लोग, सारे लोग लगे हैं कि हे माता जल्द से जल्द कोरोना को भगावे। हम भी क्या लगे हैं, पूरा भारत लगा है, पूरा विश्व लगा है कि कसम कोरोना यहाँ से जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो विश्वास है कम से कम वो पूरा हो। चुनाव का वक्त है बिहार में, और एक बार फिर से चाहे ये नेता हों या फिर दूसरे नेता हों, उनको घर घर जाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, और ये बता रहे हैं कि अभी भी वो घर घर जा रहे हैं। ऐसे में इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस धूप की तस्वीर देखेंगे तो इस धूप में कच्चे पक्के रास्तों पर नंगे पैर चलना पड़ेगा, लेकिन इन्हें विश्वास ये है कि इन्होंने जिस जगह पर जाकर प्रण लिया है वो प्रण इनका पूरा होगा। कैमरामैन निजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज़, सासाराम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।